أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يزجدان والسماء رفعها ووضع الميدان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميدان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَّارٍ فبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان.

और इन पच्चीस आयतों का खुलासा और उसकी तर्जमानी इस तरीके से है रहमान ने इस कुरान की तालीम दी है उसी ने इंसान को पैदा किया और उसे बोलना सिखाया सूरज और चाँद एक हिसाब के पाबंद हैं और तारे और दरख़्त सब सजदा रेज हैं आसमान को उसने बुलंद किया और मीदान क़ायम कर दी इसका तकादा यह है कि तुम मीदान में खलल ना डालो इंसाफ के साथ ठीक ठीक तोलो और तराजू में डंडी ना मारो ज़मीन को उसने सब मखलूक़ात के लिए बनाया उसमें हर तरह के बकसरत लजीज़ फल हैं खजूर के दरख्त हैं जिनके फल गिलाफों में लिपटे हुए हैं तरह तरह के गले हैं जिनमें भूसा भी होता है और दाना भी तो ए इंस तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे इंसान को उसने ठीकरी जैसे सूखे सड़े हुए गारे से बनाया और जिनको आग की लपट से पैदा किया तो ए इंस तुम अपने रब के किन किन नेमतों को झुटलाओगे दोनों मशरक़ और दोनों मगरब सबका मालिक वो परवरदिगार वही है तो जिनो इन तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे? दो समंदरों को उसने छोड़ दिया कि बाहम मिल जाए फिर भी उसके दरमियान एक पर्दा हाइल है, जिससे वो तजावज नहीं करते तो ए जिनो इन तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे? इन समंदरों से मोती और मोंगे निकलते हैं तो आए जिनों इंस तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे और ये जहाज उसी के हैं जो समंदर में पहाड़ों की तरह ऊंचे उठे हुए हैं तो आए दिनों इंस तुम अपने रब के किन किन नेमतों को झुटलाओगे तो ये सुर रहमान के पहले रुकू की पच्चीस आयतों का खुलासा हमने सुना अभी लफ्जी तर्जमा हम लोग पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रहीम अर्रहमान बेशक रहमान रहम रह्म करने वाला रहमान सिखलाया, कुरान को रहमान ने क़ुरान सिखलाया खल इंसान इंसान को पैदा किया अल्लमा हुँ। अल्लमा हुँ उसको सिखाया अलबयान बयान करना अशम्स वकमर व बेहसबान सूरज वलकमर और चाँद बेहसबान हिसाब के साथ हैं वन नजमों और सितारा व शजरु और दरख्त यजुदान सजदा कर रहे हैं व समा और आसमान को रफ़ाहा उसने बुलंद किया व वगा और कायम कर दिया अलमीदान मीदान तराजू अल्लाह ये के तौ तुम खलल ना करो तुम ज्यादती ना करो फिल मीदान मीदान में अकीमुल वदना, और तुम कायम रखो अलवना व मीदान को बिलकिस्ती इंसाफ के साथ वला तुख और खसारा ना करो अल मीदान तरादू में वलअर्द वदा आहा और जमीन को वदा आहा उसने रख दिया लिल अनाम मखलूक़ात के लिए पिया उसमें फाकियत फल हैं वन नखलू और खजूर हैं जातुल अकमाम होशम वाले वल हब्बू और जुल असफी भूस वाले वर रेहान और खुशबूदार फल और खुशबूदार फूल पबी आला फा तो भी अयी कौन सी आला नो रबी कुमा तुम अपने रब की दोनों दीबान तुम दोनों झुठलाओगे खल कल इंसाना उसने पैदा किया इंसान को मिन मिनसलसलिन बजने वाली मिट्टी से कल फखार ठीकरी की तरह व खलकल जान ना और उसने पैदा किया जिन्नात को मारी जिन शोले वाली मिनार आग से पबी ये आला तो कौन सी नेमतों के कौन कौन सी नेमतों को रब्बी कुमा तुम दोनों अपने रब की तुक तुम दोनों रब्बुल मशरिकैनी रब है दो मशरिकों का वो रबरबैन और रब है दो मगरिबों का कभी आला तो कौन कौन सी नेमतों की रब्बी कुमा तुम अपने दो तुम दोनों अपने रब की तुका जीबान तुम दोनों झुटलाओगे मरजल बहरीन उसने छोड़ दिया दो समंदरों को यल्तकियान के दोनों बाहम मिल जाए बीना हम उन दोनों के दरमियान बर्दकुन एक पर्दा है लाइब गान वो आगे नहीं बढ़ते पबी अय आला तो कौन कौन सी नेमतों को रबी कुमा तुम दोनों अपने रब की तो कदीबान तुम झुठलाओगे यखरुजु निकलते हैं मिनहुमा उन दोनों से अल्लूलू मोती वल मरजान और मूंगे पबी अयी आला तो कौन कौन सी नेमतों को रब्बी कुमां तुम दोनों अपने रब की तुकदीबान तुम झुटलाओगे उसी के लिए है आतु ऊंचे उठे हुए फिल बहरी समंदर में कल आलाम ऊंचे पहाड़ों की तरह फबी अयी आला तो कौन कौन सी आला नेमतों को रब्बी कुमार तुम दोनों अपने रब की तुकदीबान तुम दोनों झुठ लाओगे तो ये लफ्जी तर्जमा हमने पढ़ा है सूर रहमान के पहले रुकू का जिसमें जुमला पच्चीस आयात करीमा है तो इसके बाद इनशा अजीज हम लोग आयत आय आयत तर्जमा पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीम बेशक रहमान ने कुरान क़ुरआन सिखाया क़लकल इंसान उसी ने इंसान को पैदा किया बयान फिर उसे अपना मतलब बयान करने की क़वत देकर बोलना सिखाया अशम्स वलकमर बिहुसबान ये सूरज और चाँद मुकर्रा हिसाब से निकलते छुपते हैं वन नजम व शजर यदुदान और सितारे और दरख्त ये दोनों सजदा कर रहे हैं व समा अरफ आहा और उसी रहमान ने आसमान को बुलंद किया और उसी ने तराजू कायम किया अल्ला तौफ़ल मीदान ताकि तुम तोलने में कमी बेशी ना करो व आकीमुलव़न बिलकृशी वाला मीदान और उसी ने हुक्म दे रखा है कि तुम इंसाफ के साथ वजन को ठीक रखो और तोलने में कमी ना करो वल वलअव अनाम और उसी ने अपनी मखलूक के लिए ये ज़मीन बिछा दी फाकिया तुम वन नखल जिसमें मेवे हैं और खोशे वाले खजूर के दरख्त हैं वलबी वर्री खान और भूसे वाला अनाज है और खुशबूदार फूल हैं कभी आला रबी को मातुक तो तो इंसानों और जिनों बताओ तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत नेमत को झुठलाओगे खलकान कल्फ़ार उसी ने इंसान को ऐसी मिट्टी से जो ठेकरे की तरह बचती थी पैदा किया व खलकल जान मार मन्नार और जिनों को आग के शोले से पैदा किया फ़बीआई आला रबी को मातुक तो आए इंसानों और जिन्हों तुम बताओ अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को तुम झुठलाओगे रब्बुलमशरक़ैन व रब्बुलमगरबईन वही रहमान हैं जो दोनों मशरक़ों और दो मग़रबों का परवरदिगार हैं कभी अला कुमा तो अयोनों तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे मरजल बहरेन यलतकी उसी ने दो दरिया बनाए जो एक दूसरे से मिल जाते हैं बरदखुन बरदबिया इन दोनों के दरमियान एक आड़ है जिससे वो बढ़ते नहीं ये कुमा आलाबान तो इंस तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन तो सी तो नुट तो लाओगे यखरुज लू वल वलमरजान और फिर देखो इन दोनों में से मोती और मूंगा निकलता है कभी आला रबी को मातक दीबान तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे वलहुलजवारत बहरी कल आलाम और देखो उसी के इख्तियार और इख्तियार में हैं जहाज जो समंदर में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े हैं कभी अला रब्बिकमात दीबान तो फिर बताओ तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नमत को झुठलाओगे तो ये सूर रहमान के पहले रुकू का आयत बा आयत तर्जमा हमने पढ़ा और लफ्जी तर्जमा भी हमने पढ़ा है तो अब हम तफसीर की तरफ आते हैं सूरत रहमान इस सूर्य का नाम पहली आयत करीमा से रखा गया है पहली आयत करीमा है अर्रहमान तो इसी से सूर का नाम सूरतर रहमान रखा गया और तरतीब के अतबार से जो आज हमारे पास तरतीब है कुरानी मजीद की जो अल्लाह तबारक व तला ने तय फ़रमाई उसमें है आए सूर्य का नंबर फिफ्टी फाइव तो बहुत आसान तरीक़े से हम याद रख सकते हैं डबल फाइव तो सूर्य कुरान में अगर आप ढूंढे तो ये सूर्य का नंबर डबल फाइव है तो आसानी से आपको याद रहेगा नंबर और ये सूरज जो है ये इसका जो उतरने का नंबर है वो नाइन्टी सेवन है यानी तकरीबन छियानवे सूरतें इससे पहले उतर चुकी हैं अभी सिर्फ कुछ सूरतें बाकी हैं तो और ये सूरह मदनी यहाँ पर सूरह मदनी लिखा गया है तो रहमान मदनी है और बाद लोगों ने ये कहा कि ये सूरत मक्की है क्योंकि मक्के की सूरतों के अंदर जो जो मक्के की सूरतों की खूबी है कि वो खूबी यहाँ इस सूरत के अंदर नजर आती है तो इसके अंदर जुमला सेवेंटी एट अठहत्तर आयतें हैं और तीन रुकू हैं तो ये बात तो यहाँ लिखी हुई है जो हम क़ुरान मजीद जब पढ़ते हैं तो इस पर हमको गौर करना चाहिए कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसके अंदर ख़ुद एक पूरी तारीख आ जाती है कि आयतें कितनी हैं तरतीब क्या है ये सूरत कहाँ उतरी है मक्के में या मदीने में और नाजिल होने के एतबार से इस सूरत का नंबर नाइनटी सेवन है अब यहाँ पर जो पीछे सूर से इसका जोड़ है वो जोड़ ये है कि सूर कमर हमने पढ़ा उसको ब्रीफली अगर आप कहें कि इसके अंदर अल्लाह तबारक व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुजजा बयान फरमाया उसका नाम सूर्य कमर है यानी अल्लाह के रसूल का जो मोजिज़ा है सूर्य कमर यानी चाँद के दो टुकड़े होना उसके अंदर बयान हुआ और मक्के के मशरकिन ने उसका इनकार किया तो अल्लाह तबारक व पांच कौमों का ज़िक्र फरमाया कि पांच कौमें कौन हैं कि पांच कौमें वो हैं हजरत नाम हजरत सलाम की कौम कौम आत फिर उसके बाद हज़रत लूत व सलाम की कौम फिर उसके बाद हजरत साल अलैहिस्सलाम की कौम कौम समूत और पांचवी कौम हजरत मूसा की यानी आयतों का इनकार करने वालों का उसके अंदर ज़िक्र था कि उनके ऊपर अल्लाह का आज़ाब आया और उस पूरे सूरे में जो उस मुजज़े को मानने वाले थे उसमें दो आयतों में उनका जिक्र है कि जो अल्लाह के मुज़जाद को मानने वाले हैं उनका जिक्र था आयत नंबर फिफ्टी फोर और फिफ्टी फाइव में कि मुतकी जन्नत में होंगे अल्लाह के पास होंगे तो ये सूर रहमान जो है उसके फौरी बाद ये सूरत है जिसमें मुतकीयों को अल्लाह की तरफ से जो नमतें मिलने वाली हैं अल्लाह तबारक व तरफ से जन्नत की सूरत में वहाँ की नेमतों की सूरत में तो अल्लाह तबारक व ने उसका ज़िक्र फ़रमाया तो ये सूरह रहमान अल्लाह की नेमतों का ज़िक्र है अब हमारे यहाँ जो बात हम कहते हैं सूरह क़मर के अंदर कि सूरह क़मर के अंदर एक आयत को अल्लाह तबारक व तआला ने चार मरतबा रिपीट फरमाया वो है अल्लाह तबारक व तआला ने क़ुरान को आसान कर दिया कोई है जो कुरान को नसीहत के लिए हासिल करे तो इस सूरे में अल्लाह ने बयान फरमाया कि कुरान को अल्लाह ने सिखाया है तो इससे पहले सूरे में ज़िक्र आया कि कुरान को हमने आसान बनाया और फिर अल्लाह ने फरमाया कुरान को हमने सिखाया तो सिखाने वाला ख़ुद ये कह रहा है कि मैं कुरान को सिखाया और ये कह रहा है कि मैंने आसान बनाया तो अब आप बताइए कि अगर कोई कुरान का इल्म हासिल न करे तो वो उसकी अपनी खराबी है वो उसका अपना नुकसान है पढ़ाने वाला कह रहा है कि कुरान को मैं पढ़ाया पढ़ाने वाला कह रहा है कि कुरान की तालीम मैं दिया तो अल्लाह तबारक व तआला इस शुरे के अंदर उस कुरान मजीद को जो आसान कर दिया है फरमाते हैं कि मैंने सिखाया है और पीछे सूरत से जोड़ ये हैं कि पीछे की सूरत में एक आयत चार मरतबा आई है और उसमें अल्लाह तबारक व की तजात का इनकार करने वालों के बारे में यहाँ मानने वालों से कहा जा रहा है वो मखलूक से कहा जा रहा है जिसको अल्लाह ने उसकी इबादत के लिए पैदा फरमाया और एक आयत एक तीस मरतबा आई है फबीबा की किन किन नागे हमारे यहाँ हम लोग कहते हैं कि मजीद से आदमी के अंदर कैसे जज्बा पैदा होता है आदमी के अंदर कैसे इबादत का शौक पैदा होता है कैसे अल्लाह की शिक्र उसके अंदर आती है कैसे अल्लाह के हुक्म पर पूरा करने में हालात आए तो सब्र करना कैसे आता है तो आप ये ये सूरत को खुद देखिए कि इसके अंदर अल्लाह तबारक तआला ने इकतीस मरतबा इकतीस थर्टी वन टाइम्स कह रहे हैं क्या जिनो इन तुम अल्लाह की किन किन नेमतों को कि दुनिया के अंदर लोग कहते हैं हम, हमको ये नहीं मिला हमको वो नहीं मिला हमारी दुनिया के अंदर ख़ास तौर पे औलाद अपने माँ बाप से कहती हैं कि हमको क्या मिला भाई हमारे दोस्तों को देखिए उनके पास क्या क्या नहीं है उनके पास ये है उनके पास वो है उनके पास फला है उनके पास फला है हमारे पास क्या है ये सुर रहमान पढ़ाई सुर रहमान को खोल कर देखिए तर्जे में कि अल्लाह फर्माने क्या क्या नियमतें नहीं दी क्या क्या नवादिशें अल्लाह की नहीं हुई हैं किस किस तरीके से अल्लाह ने जो है नवाजा नहीं है कि हम मियाँ बीबी हैं वो दोनों ख़ुद को जो है एक दूसरे की नाशुकरी करने से पहले ये अल्लाह की, अल्ला की इन नेमतों को पढ़े अल्लाह तबारक व तला की इन नवादिशों के बारे में जाने और ये सूरतुर रहमान पीछे इस सूरे के अंदर इस सूरे के अंदर अल्लाह तबारक व ताली ने दोनों को मुखातब किया एक है जिन और दूसरा है इंसान अभी हम सत्तईसवें पारे में सूरह दारियात में पढ़कर आए हैं कि अल्लाह तबारक व ताली ने फरमाया कि मैंने जिन और इंस जिन्नात और इंसानों को अपनी इबादत के लिए मैंने पैदा किया तो अब अल्लाह तबारक व ताल जिन्नात और इंसानों दोनों को एड्रेस फरमा रहे हैं अल्लाह तबारक तआला दोनों को याद दिला रहे हैं कि अभी पीछे दो रुकू दो सूरतें पहले सुर दारिया सुरह कमर और सर नजम से पहले है सत्ताईसवें पारे में ही है सत्ताईसवें पारे के दूसरे रुकू में कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात और इंसानों को पैदा फरमाया अपनी इबादत के लिए तो अब यहाँ याद दिला रहे हैं क्या जिन और इंस तुम दोनों अल्लाह की किन किन नेमतों को झुठ लाओगे और यहीं से अल्लाह के नबी आ सलात सलाम की जो नबूवत है अल्लाह के नबी आ सलातम जिनकी तरफ रसूल बनाकर भेजे गए हैं वो जिन्नात भी हैं और इंसान भी हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुसू अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम की खसूसियत ये है कि आप जिन्नात के लिए भी रसूल हैं और इंसानों के लिए भी रसूल इसीलिए उनसे पूछा जा रहा है कि ये खूबी है कि अल्लाह के रसूल व सलाम के नबी बनाए जाने के बाद और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जब ये सूरत जिन्नात को सुनाई तो उन्होंने कहा कि हम अल्लाह की किसी नेमत का इनकार कैसे कर सकते हैं तो हमारे लिए ये सबक है कि हम जब ये आयतें पढ़े कि तुम कौन कौन सी नेमतों का इनकार करोगे तो हम ये कहें कि अल्लाह हम तेरी किसी नेमत का इनकार नहीं करते हैं और ये रहमान यहाँ जो नाम दिया गया है इसी को आप कुरान से मिलाकर पढ़िए कि इस्लाम ने अल्लाह के जो नाम दिए हैं पुराने मजीद में अल्लाह तबारक व ताल के बेशुमार सिफती नाम आए हैं अभी इससे पहले सूरत के आखिर में आए मलिक कुरान मजीद में रहमान रहीम गालिब, सहार गफ्फार सत्तार जब्बार ये अल्लाह के जो नाम आए हैं तो ये मक्के के मुशरकिन कहते हैं उन्नीसवें पारे में उसका ज़िक्र है वो तो सजदे की आयत है मैं पढ़ रहा हूँ तो आप बाद में दर्द के बाद सजदा करेंगे वहीद किलहम उस जुदूल इहमान और जब उनसे कहा जाता है कि रहमान को सजदा करो तो मुशरक़ीन क्या कहते हैं वमर रहमान ये रहमान क्या है कि वो लोग रहमान ये क़ुरान ने दिया अल्लाह का जो नसीफ़त है क़ुरान ने इंट्रोड्यूस कराया और कैसे इंट्रोड्यूस कराया कि रहमान हमारे हर चीज़ का हिस्सा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीम अल्लाह के नबी ने फ़रमाया कि हर काम जो भी काम बंदा करता है उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहना चाहिए अगर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बग़ैर वो काम कर रहे हैं तो वो इनकम्प्लीट और वो नाकिस हैं इसीलिए हमारे हर काम में क्या आप खाएं बैठे उठे चले दरवाज़ा खोलें दरवाज़ा बंद करें हम कोई भी मामूली से मामूली काम करें तो उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीम पढ़ें कुरान मजीद का ये हिस्सा है कुरान मजीद की हर सूरत से पहले अर्रहमान रहीम होता है तो अल्लाह तबारक तआला के एक तो नाम है अल्लाह अल्लाह का जो नाम है उसकी जो क्वालिटी है उसका जो सिफ़त है वो है रहमान तो मालूम यह हुआ कि अल्लाह तबारक व ताला के दो नाम बसमिल्लर रहीम में आए हैं वो आज हम समझने जा रहे हैं क्या मतलब है रहमान का कि रहमान और रहीम उसके अंदर आप देखेंगे तो रा राम बीच में जो है नून है एक जगह या है रहीम और रहमान में लेकिन रहमान और रहीम में फ़र्क क्या है कि रहमान का मादा रहमान का जो लफ्ज़ है उसके अंदर माने होते हैं बहुत ज़्यादा रहमान के अंदर बहुत ज़्यादा के माने आते हैं जैसे उसको समझने के लिए हम कह सकते हैं उर्दू में तूफान कि बहुत ज़्यादा पानी आ गया उसको हम तूफ़ान कहते हैं तो रहमान का मतलब ये है कि रहमान वो ज़ात है जिसकी रहमत ठाटे मारते हुए समंदर की तरह है उसकी रहमत तमाम मखलूक़ को ढांपे हुए हैं किसी मखलूक़ का कोई भी फर्द उसकी रहमत से दूर नहीं है तो अल्लाह तबारक व ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व रहमान की जो सिफत है रहमान के जो माने हैं कि वो अल्लाह तबारक व ताल बहुत ज़्यादा रहम करने वाले हैं अल्लाह तबारक व ताली बहुत ज़्यादा रहमत फरमाने वाले हैं इसीलिए एक मर्तबा अल्लाह के नबी आ सलात वसलाम ने फरमाया कि कोई भी इंसान अपने आमाल की बुनियाद पर जन्नत में नहीं जा सकता मगर अल्लाह की रहमत और अल्लाह की मगफिरत से तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या आप भी तो अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ मुझे अपने रब ने मेरे रब ने रहमत और मगफिरत में मुझे ढांप लिया है तो यहाँ पर ये सूर रहमान तो बिल्कुल इस्लाम की बुनियादी तालीम यानि हम बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर तीसरा लफ्ज़ है रहमान तो उस रहमान के बारे में अल्लाह ने एक पूरी सूरत उतार दी और उस पूरी सूरत के अंदर रहमान क्या है रहमान क्या किया है रहमान की जलवे क्या हैं रहमान की नवाजिशें क्या हैं वो इस सूरे के अंदर अल्लाह तबारक व बताया है और सूरत रहमान अल्लाह के नबी अलैहि सलात सलाम ने फरमाया कि हर चीज़ के अंदर एक निखार होती है क़ुरान मजीद की जो दुल्हन है वो सूरे रहमान है कुरान मजीद की दुल्हन क्या है ये किरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तला ने सुर रहमान को वो फरमाया है कि जैसे दुल्हन सजी हुई समरी हुई बनी हुई होती है तो वैसे कुरान मजीद के अंदर सूर रहमान सुर यासीन को कुरान मजीद का दिल कहा गया है सूर तो... रहमान को अल्लाह ने मजीद की दुल्हन फरमाया है तो इसके अंदर आप देखेंगे तो अल्फ़ाज और उसके मानी और उसके मतालब को जिस अंदाज में पेश किया गया है अल्लाह से दुआ है कि मैं उसको समझा पाऊँ वरना हकीकत ये है कि उसके हुस्न को उसकी खूबसूरती के उसके बनाव सिंगार को उसके ए, क्या कहते हैं दिलकशी को उसके अट्रैक्शन को हम समझना चाहें तो कुरान के अल्फाज खुद कहने के लिए काफ़ी हैं किरन मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने जो ज़ोर जो जो और कुव्वत रखा है जो बयान की जो अंदाज़ अल्लाह ने रखे हैं वो सूरह रहमान में पूरी तरीक़े से खुलकर हमारे सामने आते हैं तो ये सूरत रहमान का मुख्तसर मैंने जोड़ और मुख्तसर तजकिला फरमाया है यहाँ से जब हम शुरू करते हैं तो पहला लफ्ज आ रहा है रहमान तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत खूब बहुत ज़्यादा रहम फरमाने वाले हैं और उसके बाद बात शुरू होती है कि रहमान ने क़ुरान सिखाया अब यहाँ पर देखिए कि रहमान होने का उसके रहमत का सबसे बड़ा सबसे बड़ा बंदे के ऊपर एहसान ये है कि उसने क़ुरान की तालीम दी कि कुरान को किसने सिखाया कि रहमान हैं उसकी शान है कि उसने बंदे को क़ुरान सिखाया यहाँ पर इंसान के पैदा होने को बाद में बयान फरमाया लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान की तालीम को पहले बयान फरमाया कि रब होने के अतबार से रब तो वो पैदा करने वाला है लेकिन यहाँ सिफत बयान हुई है रहमान तो इस एतबार से रहमान ने कुरान का एहसान पहले याद दिलाए कि पैदा करना ये रब होने के अतबार से है लेकिन रहमान होने के अतबार से रहमत का और रहीम होने के एतबार से उसने कुरान को पहले बंदे के लिए सिखाया है और तीसरा अल्लाह तबारक व फरमाया कि उसको बोलना सिखाया बयान करना सिखाया कि अल्लाह तबारक व तआला का ये कमाल हैं कि उसने जो इंसान पैदा किया वो शाहकार हैं जैसे क़ुरान अल्लाह का एक शाहकार हैं अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक़ में इंसान अल्लाह की बेहतरीन मखलूक़ हैं तो क़ुरान अल्लाह का बेहतरीन कलाम इंसान बेहतरीन मखलूक़ और इंसान की बेहतरीन क्वालिटी वो है बयान करना वो है इजहार करना वो है अपने जज्बात को समझाना तो अल्लाह व तआला ने हमको जानवरों की तरह नहीं पैदा फरमाया बेजबान दरख्तों और पहाड़ों की तरह नहीं बयान फरमाया कि वो इंसान अपने दुख दर्द को अपने खुशी और अपने गम को अपने अंदरून के जज्बात और एहसास को बयान करता है वो लोगों के सामने इस बात को पेश करता है कि वो क्या है और बड़ी अच्छी बात हमारे ने कराम ने लिखी कि बयान करने का जो सोर्स है वो है क़ुरान कि अल्लाह तबारक व तआला की चीज़ों को बंदा जो है बयान करे और उसको सोर्स के तौर पर कुरान मजीद है अब आगे अल्लाह तबारक व अपनी रहमान की जलवों को और रहमान की नवादिशों को अल्लाह बयान फरमाते हैं फरमाया आयत नंबर पांच में कि अल्लाह तबारक तआला ने चाँद और सूरज को बनाया जो एक हिसाब से चलते हैं ऐसा नहीं है कि चाँद जैसे चाहे चले सूरज जैसे चाहे चले सूरह यासीन में हम तफसील पढ़ के आए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि न सूरज अपनी रफ्तार से आगे बढ़ सकता है और न ही चाँद जो है वो सूरज को पकड़ सकता है बल्कि वो दोनों जो है एक एक दायरे के अंदर घूम रहे हैं और ये आयात करीमा साइंस नॉलेज और दुनिया की जो तरक्की होगी उसके बारे में अल्लाह ने अपना निज़ाम बयान फरमाया है और आयत नंबर छः में फरमाते हैं कि सितारे और दरख्त जो ये सजदे कर रहे सजदा किस तरीके से कर रहे हैं कि वो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के पाबंद हैं अठारहवें बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हर चीज़ अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह करने में लगी हुई हर चीज़ अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई बयान करने में लगी हुई है तो यहाँ पर फरमाया कि सितारे और दरख्त गोया कि वो सजदे में पड़े हुए हैं और आजकल हम लोग देखते हैं मैंने भी देखा और उसको मैंने शेयर भी किया कि एक दरख्त जो है वो ऐसे शक्ल में है गोया कि वो सजदे में पड़ा हुआ है तो मालूम ये हुआ कि ज़ाहिर के एतबार से वो सजदा करना नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म का वो पाबंद है कि ये बेजबान चीजें भी अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म की फरमा हैं है और वो सज्जे में पड़ी हुई और आयत नंबर सात में फरमाया कि आसमान को हमने बुलंद किया है में अल्लाह ने फरमाया है कि बार बार तुम आसमान को देखो कि उसके अंदर कोई शिगाफ़ कोई सुराख पड़ा हुआ है तो बताओ क्या उसके अंदर कोई कमी कोताही है तो बताओ तो अल्लाह तबारक व ताला ने यहाँ अपनी नेमतों को कायनात की नेमतों को बयान फरमाते जा रहे हैं और फिर मीदान यानी अल्लाह तबारक व ने हर चीज़ में अदल और इंसाफ को रखा है अदल का मतलब ये है कि वो चीज़ अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त है उस चीज़ को वहाँ से आप हटाएंगे तो उसके अंदर जो है नुकसान होगा उसके अंदर जो है ख़राबी पैदा होगी तो अल्लाह तबारक व अदल और तराजू कायम किया ये जो तराजू ये जो बैलेंस है कि अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि तुम तोलने में कमी ज्यादती मत करो कि तुम तोल को बराबर कायम रखो कि दुनिया का जो निज़ाम है वो अदल है दुनिया का जो निज़ाम है उसको उसका हक देना है इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि वजन को पूरा तोलो इंसाफ के साथ और डंडी मत मारो उसको जो है पूरी तरीके से कायम रखो यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जो बैलेंस बनाया है उस बैलेंस को कायम रखना है और जमीन को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मखलूक के लिए बिछाया है ये भी अल्लाह की नेमत है और उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मेवे रखे हैं और कोशे वाले अंग खजूर रखे कि मेवे बेशुमार किस्में हैं खजूर उसकी भी कई किस्में हैं कि पैंतीस किस्में खजूर की मैंने उसके नाम पढ़े कि पैंतीस किस्म का जो है खजूर होता है तो अल्लाह तबारक व ताला की ये अनगिनत नेमतें हैं और उसके बाद गल्ला है कि उस गल्ले के ऊपर भूसा होता है कि अल्लाह तबारक वाली ने ऐसा बनाया कि उसको हर चीज से महफूज फरमाए कि खजूर है उसके ऊपर एक झिल्ली होती है और इसी तरीके से गेहूँ है जवार है उसके ऊपर एक गिलाफ चढ़ा हुआ होता है और खुशबूदार फूल हैं कि अल्लाह तबारक वाली ने आप देखिए आज के इंसान जो है इतर बनाना चाहता है कितनी मशक्क़त कितनी मेहनत उठानी पड़ती है लेकिन फूलों के अंदर किसने केमिकल मिलाए किसने खुशबू मिलाई किसने उसके अंदर वो फ्लेवर डाला ये अल्लाह तबारक ताला की शाहकार है आयत तेरा में, अब अल्लाह तबारक व तब पूछते हैं कि आए जिनो इंस तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुठलाओगे तो मालूम यह हुआ कि कुरान मजीद इतनी सारी नेमतों को कि यहाँ पीछे आप रुक कर देखे कि जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा करने की बात बयान फरमाई अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा करने के बाद उसकी जो जिस्मानी ज़रूरतें हैं उसकी जो फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट हैं उनको पूरा करने की बात अल्लाह ने फरमाई उससे बढ़कर एक इंसान की फिज़िकल रिक्वायरमेंट एक जिस्मानी ज़रूरतों के बाद जो ज़रूरत होती है वो है रूहानी ज़रूरत उसकी जो है स्पिरिचुअल रिक्वायरमेंट वो है कुरान अब अल्लाह तबारक तआला ने दोनों ज़रूरतों को पूरा फरमा दिया दोनों चीज़ों को पूरा फरमाने के बाद अब अल्लाह तबारक व तआला पूछते हैं क्या जिनों इंस तुम्हारी ये ज़रूरतें थी मैंने पूरी कर दी तुम्हारी ज़रूरत थी ज़मीन वो हमने पूरी कर दी तुम्हारी ज़रूरत थी फला हमने पूरी कर दी और उससे बढ़कर कि के तुम्हारी जिंदगी को कामयाबी से हमकिनार करने वाला जन्नत के रास्ते पर ले जाने वाला अल्लाह का कलाम वो हमने तुमको दिया और सिखलाया तो अब क्या नेमत अल्लाह की बाकी है और किन किन नेमतों को तुम जुटलाओगे तो यहां रुककर हमें कहना चाहिए अल्लाह हम तेरी किसी नेमत को नहीं जुटलाते हम तेरी किसी नेमत का इनकार नहीं करते कि जैसा कि जिन्नात ने अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम को रिप्लाई दिया और यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमने इंसान को खन खनाती हुई मिट्टी से जो ठीकरी की तरह होती है पैदा किया कि यहाँ इंसान से मुराद हजरत आदम अ सलात वाम है यानी पहले इंसान को हमने खन खनाती हुई ठीकरी से पैदा फरमाया हज़रत आदम अ सलात सलाम के पैदा करने के जो मुख्तलिफ़ लेवल हैं जो मुख्तलिफ़ स्टेजेस हैं वो कुरान मजीद में बयान हुए हैं और वो सेवन स्टेजेस हैं कुरान में उसका ज़िक्र है उसमें से एक लेवल का जिक्र यहाँ किया गया है कि हजरत आदम ही सलाम को अल्लाह ने ऐसी मिट्टी से पैदा फरमाया जो ठीकरी की तरह थी तो मुख्तलिफ़ लेवल थे वहाँ पर और आगे इंसान के मुकाबले में जिन तो जिन्नात को अल्लाह तबारक व ताला जो पहला जिन है उसको अल्लाह तबारक व ने ऐसी आग से पैदा फरमाया जिसमें धुआँ नहीं होता है उसकी लपट से अल्लाह ने पैदा फरमाया तीन मखलूक हैं एक इंसान है जिसकी पहले इंसान जो मिट्टी से हैं दूसरी मखलूक है जिन जिसको अल्लाह तबारक व ने आग की लपट से पैदा फरमाया तीसरी मखलूक है फरिश्ते अल्लाह ने उनको नूर से पैदा फरमाया और तीनों मखलूक का कमाल इंसान के अंदर अल्लाह ने रखा है इसीलिए कहते हैं कि, कि इंसान जो मिट्टी से पैदा हुआ है उसका कमाल ये है कि वो फरिश्तों से अफजल है वो जिन्नास से अफजल हैं लेकिन उसके अंदर लग मेहनत लगती है ज़्यादा कि इंसान अगर हकीक़त में इंसान बन जाए तो उन सारी मखलूक़ात पर उसको फजीलत और मकाम हासिल है तो अल्लाह तबारक व तला फरमाते हैं क्या इंसान कि तुझको अल्लाह तबारक व ताली ने किन किन मरहलों से पैदा फरमाया किस किस दौर से तुम गुजरे हो कि बात का इंसान किस तरीके से पैदा हुआ वो भी कुरान में जिक्र है अभी उनतीसवें पारे में हम पढ़ेंगे उस सुरय का नाम ही है सुर इंसान अल्लाह ने याद दिलाया इंसान तुझको मालूम भी है कि तुझको ये याद है कि तू वो तू वो था कि जो नाकाबिले बयान था नुतफा था उससे अल्लाह ने पैदा किया नाकाबिल बयान चीज था लेकिन अल्लाह ने तुझको वजूद बख्शा तुझको जो है अच्छा देखने समझने हर चीज का एहसास करने वाला बनाया आंखें बनाई दिल बनाया हर चीज बनाया तो अल्लाह तबारक व तआला फिर पूछते हैं कि इतना बड़ा शाहकार इतना बड़ा अल्लाह का जो है आला आला मखलूक तुमको बनाया तो फिर तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे फिर कायनात के निजाम से अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं आयत नंबर सत्रह में कि वो रब दोनों मशरकों का रब है दोनों मगरबों का रब है तो दो मशरक से मतलब क्या है कि एक जाड़े के अंदर जो सूरज निकलता है गरमा के अंदर जो सूरज निकलता है अलग अलग जगह से कि अल्लाह वो मशरक का रब भी है और मगरब का भी रब भी है और बल्कि साइंटिफिक एजबार से कि रोज सूरज जो अपनी जगह अलग अलग बदल के निकलता है उसी को अल्लाह ने कुरान में फरमाया रबुलमशरवल मगारब कि अल्लाह मशरकों के भी रब हैं और मगरबों के भी रब हैं कि इतना बड़ा निज़ाम कि सूरज और चांद का उनके निकलने और डूबने का अल्लाह ने बनाया वो उसका रब है वो उसको पाल रहा है उसको चला रहा है किसके लिए तो तुम अल्लाह की किन किन नमतों को झुटलाओगे आयत नंबर उन्नीस में अल्लाह फिर फरमाते हैं कि अल्लाह ने दो समंदर मिला दिए हैं कि एक खारा एक मीठा दो समंदर चल रहे हैं लेकिन ये दोनों समंदर मीठा और खारा समंदर एक दूसरे से नहीं मिलते उन दोनों के दरमियान एक बैरियर है एक बाढ़ है एक आड़ है एक पर्दा है ये किसने बनाया अल्लाह तबारक वो ताला इतना बड़ा निदा तो लोग कहते हैं कि कई लोग जो है जो समंदरी जहां समंदरी उसके अंदर अपनी जिंदगी गुजार चुके हैं ये उन्होंने अब लोगों के सामने कहा कि मेरी एक डिस्कवरी है लेकिन जब इस्लाम कुरान के सामने पेश किया गया तो उन्होंने कहा कि ये बात तो आज से पंद्रह सौ साल पहले कुरान में बयान हो चुका है तो उसने कहा कि मैं पच्चीस साल चालीस साल समंदर की उसके अंदर रहा हूं तो मैं ये ये बात कह रहा हूं लेकिन आज से पंद्रह सौ साल पहले कि, कि, किसने कहा तो वो मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस थे वो समंदर में मेरे से ज्यादा उनकी जिंदगी गुजरी होगी जबकि हकीकत यह है कि अल्लाह के नबी एक मरतबा भी समंदरी सफर नहीं फरमाए तो ये बातें ये हकीकतें कुरान की अल्लाह की हैं कि कायनात अल्लाह की बनाई हुई है तो वो कायनात के एक एक धर्रे का एक एक सेल का वो इल्म रखता है कि दोनों के दरमियान अल्लाह ने बाढ़ बनाए आड़ बनाई पर्दा बनाया फिर अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह की किन किन नेमतों को तुम झुटलाओगे मोती और मोंगा निकलता है अल्लाह तबारक ताला ने उसके अंदर इतने कीमती चीजें इतनी सदाबहार चीजें इंसानों को अता फरमाई है और आयत नंबर चौबीस में कश्तियों के बारे में फरमाया कि ये वो कश्तियां हैं जो पहाड़ों की तरह है कि जो इंसानों के लिए आज मौजूदा ज़माने में तो बड़ा हमारा जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है और बिजनेस है इससे जुड़ा हुआ है तो अल्लाह तबारक व ताली ने फरमाया कि ये कश्तियाँ ये पहाड़ों जैसा ये निधाम ये किसने बनाया तो फिर आयत नंबर पच्चीस में अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह की किन किन नमतों को तुम झुटलाओगे तो ये सुर रहमान जिस तरीक़े से शुरू हो रहा है और जिस तरीक़े से अल्लाह अपने बंदों को अपनी मखलूक़ात में से जिन और इंस को दावत दे रहे हैं कि ये गौर करने के लिए कि इसके ऊपर हम संजीदगी से गौर करें और दुनिया जिस तरीके से आगे बढ़ रही है जिस तरीके से तरक्यात हो रही हैं कि बंदा सर धुंता है बंदा जो है अल्लाह की खालकियत अल्लाह की पैदाइश और क्रिएटिविटी पर इंसान अश अश करके रह जाता है कि मौला ने क्या कायनात सजाई है मौला ने क्या कायनात बनाई है किस कदर हुस्न और खूबी इसके अंदर है किस कदर उसके जलवे इसके अंदर फैले हुए हैं उसकी रब होने और उसके खालिक और मालिक होने के इख्तियार किस तरीके से काम कर रहे हैं कि कुरान मजीद को अल्लाह तबारक व जो हम पढ़ते हैं ना आयत फरमाया और ये ज़मीन पर जो फैली हुई चीजें हैं इसको भी अल्लाह ने आयत नशानी फरमाई है कि नशानियां हैं दो नशानियां ये दोनों चीज़ों का जिक्र यहाँ सूर रहमान में अल्लाह ने एक के बाद एक एक के बाद एक एक के बाद एक खोल दिया है लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जैसा कि सूर सूर्य कमर में अल्लाह ने इससे पहले फरमाया कि हमने कुरान को आसान बना दिया है तो है कोई नसीहत हासिल करने वाला तो अब अल्लाह तबारक व तआला नसीहत हासिल करने वाले को दावत दे रहे हैं कि आइए अब अल्लाह का ये कायनात और उसके जलवे अल्लाह एक एक करके खोल रहे हैं एक एक करके जो है बताते जा रहे हैं कि आओ और समझो और अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह रहमान के शुरू ही में फरमाया कि रहमान ने तालीम दी है कि रहमान ने क़ुरान को सिखाया है तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह करीम हमें कुरान मजीद से जुड़ने और जोड़ने की कुरान मजीद की बरक़तों से अपनी ज़िंदगी को संवारने की अल्लाह तबारक वोफ़ी अदा फरमाए जी आज हमारे साथ दो तीन नए साथी शायद जुड़े हैं जी शहनवाज भाई डॉक्टर अब्दुल क्यूम साहब और अब्दुल हादी हाशमी साहब ये तीन आए हैं जी शहनवाज भाई आए हैं हाजी साहब जी अब्दुल हादी हाशमी एजाज हाशमी वो भी जुड़े थे तो उनको भी अच्छा आ गए अब्दुल हादी हाशमी साहब जी जी आलेकुं। आलेकुं और डॉक्टर अब्दुल क्यूम साहब नहीं नहीं जुड़े ठीक जी हमारे साथियों को इत्तला है जुमा के दिन हाजियों के तसुर का प्रोग्राम हुआ था और उसका आ... वीडियो उसकी रिकॉर्डिंग मैंने यूट्यूब बनाकर जो है ग्रुप में डाल दी है आप लोग ज़रूर सुनिए और फिर उसके ऊपर अपने फीडबैक भी दीजिए तो ये सूरतुर रहमान माशाल्लाह बहुत ही दावत फिक्र देने वाला है पढ़िए फिर फिर इनशा कल मुलाकात होती है सुबह वमदी ही सुबह अरदूअल फिर अलैक् वरहमल वालेकाम वरम वाल